सत्यदर्शन पंचम विभाग विविध प्रसंग को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय जीवन जिज्ञासु दर्शक बंधु, आम देशर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कही थिले, देशर प्रत्येक व्यक्ति डायरी लेखिबा आवश्यक। से कही थिले जे आपण को मन को जहा किछि भी आसुचि ताहा को डायरी रे लेखि रखंतु। मोदीजी परामर्श हो दिन शेष अर्थात प्रतिदिन राति शोवाक जा पूर्व डायरी लेखिबा उचित। दिनक मध्य कौन सब कर कौन हर कौन पाई किंबा कौन नुआ कर डायरी रे लेखंतु। प्रधानमंत्री महान चिंताधारा जो डायरी लेखिबा को कही थिले एवं डायरी लेखिबा द्वारा प्रकृत में जो सब लाभ मिली थाए ताहा मुँ निजे दीर्घ 23 वर्षर डायरी लेखिबा द्वारा लाभ करिछि। ताहार अनुभूति ओ अभिज्ञतारु जहाँ मते मिली पारिछि ताहा आज मुँ आपण मानक सामनारे उपस्थापन करुछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं जीवन तथा चरित्र गठनर सबुठारु सरल साधना विषय जानंतु। तेबे आसंतु आम चैनल रो विविध प्रसंग विभाग में आज आपण मानक पई एही स्वतंत्र विषय जीवन गढ़िबार माध्यम डायरी। प्रिय सज्जन, डायरी लेखिबा द्वारा मिले अनेक गुड़िए फायदा, धन बढ़े और भाग्य बदली जाए। डायरी अर्थात दिनलिपि जहाँ आपण एक दर्पण सदृश। प्रतिदिन डायरी लेखिबा द्वारा आपण केउ दिन केउठारे भूल करिछंती, केउटी किछि भूल बुझामणा होईछि, कहारी मन को केबे आघात देइछंती, काहा को केबे आपण खुशी देइछंती, केउठारे आपण फेल मारिछंती किंबा केउठी पास करिछंती एवं जीवन रे आपण केबे कोन करिछंती आपण ताहा निजर व्यक्तिगत डायरी रे लेखि रखि थांती। डायरी लेखिबा द्वारा जणे व्यक्ति निजर विकास ओ उन्नति करिथाय। तेणु आपण जुआडे भी जानतु, जेउठी भी रहंतु, दैनिक निजर अनुभूति को डायरी रे लेखि रखंतु। तापरे किछि दिन पारे जेतेबेले आपण सही पृष्ठाटी को ओलटाइबे आपण को बहुत खुशी लागिव एवं आपण को मनरे नुआ चिंताधारा जागी उठिव। डायरी लेखिबा एक सुंदर अभ्यास। आसंतु डायरी लेखिबार लाभ विषय जानिबा। सुख और दुखर साथी हेउची डायरी। आपण जदि डायरी लेखुचंती डायरी लेखिबार भावना आपण को सुख दुखरे चलिबार सत्साहस जोगेइब, जहाँफल मानसिक स्तर में आपण सबुबेले सतेज रही पारिबे। नियमित डायरी लेखिबा द्वारा अलसुआमी दूर होइथाय एवं नियमानुवर्ती हेबार अभ्यास सृष्टि होइथाय, जहाँ हेउची सफलतार मूलमंत्र। डायरी लेखिबा द्वारा सबुठारु बड़ फायदा हेउची जदि आपण प्रतिदिन आपणक सहित जड़ित कथा गुडीकु लेखि रखुथांती तेबे आपण केबे कोनोसी कथाकु भूली जाय पारिबे नाही। सारा दिन आपण कर्मव्यस्ततारे बितेबा परे जेतेबेले आपण सोइबाकु जिबा समय रे डायरी लेखिबाकु बसिबे सेतेबेले सारा दिनर कथा मने पकाई लेखिबा द्वारा आपण को सुंदर निद आसी जिवो एवं आपण को केबे निद्राहीनता हेबो नाही कि निद पई कोनसी औषध खाइबाकु पड़िबो नाही। उत्तम निद्रा जोगु आपण परवर्ती दिन पई सतेज अनुभव करिवे। आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवन रे जणे व्यक्ति निजर प्रियजनक पई समय पाइ नथाय। एपरी परिस्थिति रे डायरी हेतु जणे व्यक्ति एकुटी अनुभव करे नाही, से निज सहित ही निजे बंधु होइथाय एवं केबे भी अवसाद रे रहे नाही किंबा उदासीन हुए नाही। डायरी हेतु आपण निजे निजर आत्ममूल्यायन करि परिबे। आपण निज दक्षतार सविशेष तथ्य देखि निजर दोष को सुधारिबा सह निजकु उन्नत करि गढ़ी परिबे एवं आगकु बढ़िबाकु कोन करिबा आवश्यक ताहा आपण निजे स्थिर करि परिबे। जदि आपण डायरी लेखुचंती तेबे आपणकर स्मृति शक्ति सर्वदा स्ट्रांग रहिबो। आपणकर कोनोसी घनिष्ठ बंधुकर जन्मदिन को मध्य आपण भूली पारिबे नाही, एहा द्वारा संपर्क आहुरी निबिड़ हेबो। डायरी लेखिबा द्वारा आपणकर लेखारे मध्य सुधार आसी थाए, जहाँ आपणकु अन्यमानक ठारु नियारा मनीष भावरे गढ़ी तोली थाए। कारण हैला प्रतिदिन डायरी लेखिबा द्वारा आपणकर लेखा तथा भाषा शैली रे उन्नति आसी थाए, आपणकर आचरण उत्तम होई थाए एवं भलो शब्द सबू मन को आसी थाए।
जने व्यक्ति दिन सारा बहुत किछि भाबी थाए किंतु सही भावना को कार्यकारी करि परि न थाए। जदि आपण प्रतिदिन डायरी लेखंती तेबे आपण को चिंताधारा को रूप देबारे आपण सुनिश्चित सक्षम हेबे। निज डायरी रे आपण जदि अन्य लोकर अनुभूति लेखुथांती ताहा मध्य आपण को जीवन को प्रभावित करि थाए। सही अनुभूति रु आपणकर अभिज्ञता वृद्धि पाइबा सह आपण मध्य उन्नत जीवन गढ़िबारे सफल होइथांती जहा हेउची सफलतार आउ एक मूलमंत्र। डायरी रे प्रतिदिनर विशेष घटना को लेखि रखिबा द्वारा अवसर समय रे ताहा आपण को ताजा अनुभूति देइथाय। जेमिति फोटो को देखिले आमे पुरुणा स्मृति को मने पकाई थाउ ठीक सेमिति डायरी माध्यम रे अतीत को फेरी पाई हुए एवं जीवन रे घटी जाइथिबा खटामीठा अनुभूति पुनर्जीवित होई परिथाय। प्रतिदिन निर्दिष्ट समय रे डायरी लेखुथिले कौनसी काम रे अवहेला करि हुए नाही। डायरी लेखिबा समय रे बाकी रही जाइथिबा काम गुडीकर चेतावनी मिलिथाय। डायरी लेखुथिबा व्यक्ति अधिकांश समय मिछ कहि पारेनी कहारी अनिष्ट हेला भली कार्य करि पारेनी किंबा पाप करिबा को मन करेनी। डायरी पाप करिबा को रोकिथाय। जहार सत लेखिबार साहस थाए सेमाने डायरी लेखिबा द्वारा सफलतार पहाच उपरे पहाच चढ़ी नैतिक मार्ग रे ऊपर उठी पारंती। जेकोणसी प्रकार बदभ्यास बा दुर्गुण छाड़ीबा पाई डायरी लेखिबा ही सबुठारु भलो उपाय। डायरी लेखिबा द्वारा मंद अभ्यास गुड़िक निज पाखरु छाटीपिटी होई चली जांती। डायरी लेखिबा द्वारा केबे समय कमी जाए नाही बरं समय बळे। डायरी लेखुथिबा लोक समयानुवर्ती हुए तार कदापि समय अपचय होई नथाए। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती अहं कालोस्मि भगवान हेउछंती काल अर्थात समय। डायरी लेखिबा हेतु समय निर्घंट अनुसारे कार्य करिबा द्वारा एवं समयानुवर्ती होई समयर दास हेबा द्वारा मनीष परोक्षरे भगवानकर दास पलटि जाए। तेणु डायरी लेखिबा एक प्रकार साधना जहां आपणकु भगवानकर सानिध्य लाभ करिबारे सहायक हुए। धनी हेबाकु समस्तंकर इच्छा थाए सेथिपाई चाकिरी किंबा व्यवसाय करिबाकु होइथाए। चाकिरी किंबा व्यवसायरु जथेष्ट आय हेउथिले मध्य अनेकंकर आर्थिक सच्छलता नथाए। यहार कारण अर्थ खर्च करिबार सूत्र सेमानकु जणा नथाए किंतु दैनिक डायरी लेखिबा द्वारा आपणा छै निजर मितव्ययता प्रति उचित ज्ञान मिलि जाए जहा गोटे मनीषकु धनी कराई पारे। मोटामोटी भाबरे कहिले डायरी लेखिबा द्वारा केबे अभाव रहे नाही धन वृद्धि पाए। डायरी लेखिबा द्वारा इंद्रिय संयम होइथाय। जेउ कार्य करिबाकु लाज बा भय लागे सही सबु कार्यरु निवृत्त हेबाकु डायरी ही प्रेरणा देइथाय। जेमिति रोग लुचाइले बढ़ी जाए सेमिति पाप लुचाइले मध्य पापर अंत होइ नथाय। किंतु डायरी लेखिबा लोक पाप करिबारु निवृत्त रहे एवं सर्वदा सत्य कहिबाकु ओ सत्य पथरे चलिबाकु आग्रही हुए जहाद्वारा पुण्य वृद्धि पाइबाकु लागे। डायरी लेखिबा द्वारा आत्मविश्वास मध्य दृढ़ होइथाय। जेउ माने विद्यार्थी अर्थात स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ुथांती सेमानक पाई मध्य डायरी लेखिबा एक उत्तम साधना जहाकि जने छात्र को उत्तम तथा आदर्श छात्र जीवन गढ़िबारे सहायक होइथाय। प्रिय सज्जन डायरी लेखिबा द्वारा निजस फायदा विषय रे आउ बा कोन कहा जाई पारे एमिति तो अनेक किछि उपकार मिले जहाँ एही छोट वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा संभव नहि। एतिक शेषरे कहि पारे प्रसिद्ध ओ महान व्यक्ति माने मध्य निजर दैनिक डायरी लेखुथिले। तेणु प्रत्येक मनीष जे कि लेखि पढ़ी सिखिछि से चाकिरी करुथांतु कि व्यवसाय करुथांतु अथवा दिन मजुरिया भावे जीवन निर्वाह करुथांतु से पिला हुअंतु कि वृद्ध हुअंतु जड़े आस्तिक हेउ किंबा नास्तिक हेउ हेतुवादी हेउ कि आध्यात्मवादी हेउ डायरी समस्तक पई सर्वदा लाभदायक होइथाय। समस्तक जीवन को श्रृंखलित आनंदमय एवं जीवनचर्या रे चरित्र गठनर मुख्य भूमिका निर्वाह करिथाय डायरी। तेणु आपण माने व्यस्तभरा जीवन रे मात्र किछि समय बाहर करी डायरी लेखिबार बितांतु देखिबे आपण एक नियारा मनीष पालटि जिवे एवं आपण सबु प्रकार परिस्थिति को सामना करी एक सरस सुंदर जीवन भोग करि परिबे। कारण
ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସରଳ ସାଧନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରୀ ଲେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଠାରୁ ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲିଗଲା ସମୟ ବା ବୟସ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାଇରୀ ଲେଖିବାର ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।